बुलंदशहर के अगोता थाना में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आम लोगों की हिफाजत के लिए बनी पुलिस और पुलिस थाने से ही एक चोरी की वारदात सामने आई है। अगोता थाने से 29 साल पहले हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे की केस डायरी, चार्जशीट और पत्रावली गायब होने की घटना से बुलंदशहर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 1991 में थाना अगोता क्षेत्र में एक हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सन 1991 में थाना अगोता क्षेत्र के जमालपुर गांव के रहने वाले धर्मवीर सिंह की हत्या गोली मार कर कर दी गई थी, जिसका मुकदमा मृतक के परिजनों के द्वारा चार आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इस मुकदमे में पैरवी मृतक का दोस्त चौधरी गजेंद्र सिंह कर रहा है। अगोता थाना पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने अभी तक कोई चार्जशीट पेश नहीं की थी, जिसकी वजह से अदालत में मुकदमा भी नहीं चल पाया। वहीं अभी कुछ दिन पहले हत्या के मुख्य आरोपी श्याम सिंह की भी मौत हो गई। अगोता थाना पुलिस ने मुकदमे से संबंधित चार्जशीट के गायब होने पर थाना अगोता में ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। CGM कोर्ट में थाना अभिलेख और क्षेत्र अधिकारी पत्रावली को खोजा गया, लेकिन सिर्फ FIR की फोटोकॉपी ही मिली। देखिए, जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध एक सक्रिय जो है अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना बाबूगढ़ की पुलिस टीम जो थी, साथ में स्वाट टीम और सर्विलांस टीम, इनके द्वारा एक शातिर अभियुक्त है वसी मोहम्मद, जो कि थाना बाबूगढ़ में एक लूट के मुकदमे में वांछित था, उसमें मुठभेड़ के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। ये मेरठ का रहने वाला है। इसके खिलाफ पूर्व में भी और भी कई मुकदमे पंजीकृत थे और ये 25,000 का इनामिया जो इस वक्त हमारे थाने का था। देखिए, इसके साथ एक अवैध असलाह और एक मोटरसाइकिल और 15,000 रुपये से बरामद हुए हैं। ये पूर्व के एक मुकदमे में वांछित था, इसके जो साथी थे वो जेल जा चुके हैं। ये लगातार फरार चल रहा था, इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।